फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेस डिज़ाइन। इसे दुपट्टा पे, स्लीव्स पे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉटन थ्रेड और 90.85 mm की नीडल। तो अभी हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पर बेस बना लेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर तीन चेन, तीन चेन बनाने के बाद फिर से सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, बेस बन गया है। अब फिर से हम यहाँ डिजाइन शुरू करेंगे। पहले हमें नॉट बना लेना है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दो बीड लगाना है। दो बीड लग गया। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया, दो चेन, ये दो चेन बनाने के बाद गैप में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया दो बार बनाएंगे। दो बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक चेन और इसके बाद सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और दो बार डबल क्रोशिया। एक चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद दो बीड लगाएंगे। फिर से ये दूसरे वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाना है, दो बार चेन, दो बार चेन बनाने के बाद दो बार डबल क्रोशिया। एक चेन और सिंगल क्रोशिया, इस बार एक चेन बना के दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो बार डबल क्रोशिया बन गया। अब एक चेन बनाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब दो बीड लगाएंगे। ये बीड लगाने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे दो चेन बनाना है और फिर उसके बाद दो बार डबल क्रोशिया। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से एक चेन बनाएंगे और दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो बन गया। एक चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाना है, बहुत आसान डिज़ाइन है।
और बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको डिज़ाइन कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।